हाय, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस जो मैंने शायद ज़िंदगी में देखा, और ये है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। ये जो मेरे राइट पे देख रहे हैं ना, ये सोचिए रेजिडेंस फ्लैट्स हैं। और अब हम चलेंगे, ये कोने में आ गए थे, मतलब फैकल्टीज़ को या प्रोफेसर को फ्लैट दिए गए हैं। आपको कैंपस का लुक दिखाएंगे, कोशिश करेंगे। और जैसे ही मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि फिर इस कॉलेज के बारे में धीरे धीरे बताता जाऊँगा, पहले आपको कैंपस दिखाता हूँ। एंड जस्ट लुक एट द साइज़ एंड द फील ऑफ द कैंपस, इट इज़ अमेजिंग। और ये एकमात्र कॉलेज है जो लोगों को बहुत कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है ना। कन्फ्यूज़ क्यों करता है वो भी आपको बताएंगे, और क्यों कन्फ्यूज़ कर रहा है उसके पीछे सोल्यूशन क्या है। कि जैसा आपने बताया कि वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस दैट वी विल एवर सी इन अवर लाइफ इज दिस पर्टिकुलर कॉलेज। मतलब ऐसा लग रहा ख़त्म ही नहीं हो रहा, और आप एक ना बहुत बड़े रिजॉर्ट जंगलों में आ गए हो जहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। और रोड देखो, मतलब लग रहा है जैसे अलग शहर है। और देखते जाइए आप, जो साइज़ है, जो सब कुछ है, सोचिए आप कॉलेज के अंदर ही हो। मतलब इतना बड़ा तो शायद वो एम्स दिल्ली के मुकाबले का एक कॉलेज है, और इतना मतलब जो एक खाली एरिया है ये तो शायद एम्स दिल्ली में भी नहीं मिलेगा। और वजह ये है कि खैर कॉलेज कैंपस देखते रहिए, फिर मैं आपको इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैंने एक अलग वीडियो बनाया था, बिकॉज ये कॉलेज आपको बहुत कंफ्यूज करता है। लेट मी पुट इट दिस वे, यही शायद राइट था। अभी वैसे सीधा भी जा रही थी सड़क, सोचिए गर्ल्स हॉस्टल है सामने। हाँ, गर्ल्स हॉस्टल उस कोने में है जी, बिल्कुल हट के वो कॉलोनी थी। तो देखिए, हरियाणा में 5-6 सरकारी कॉलेज हैं, PGMS रोहतक, कल्पना चावला, भगतपुर सिंह, मेवात वाला, अब अटल बिहारी और ESI। इस कॉलेज को हमेशा हम सेमी गवर्नमेंट कहते हैं, प्राइवेट कहते हैं, क्योंकि इस कॉलेज की स्थापना श्री OP जिंदल जी ने की थी। और बेसिकली इस कॉलेज की पूरी फंडिंग जिंदल फैमिली से आती है। और एक ज़माने में जब सरकारी कॉलेज की फ़ीस 30-40 हज़ार रुपये थी, तो इसकी फ़ीस 1,80,000 रुपये रखी गई थी, जो कि बहुत नॉमिनल है। और हर बच्चे पे जो हम डिस्कस करते हैं कि साल में एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में, ये देखिए ऑडिटोरियम है राइट में, ऑडिटोरियम निकल गया, ऑडिटोरियम तो वहीं था। हाँ जी, आ गया, देखिए लेफ्ट में ये OP जिंदल नीलगाय है जी, और OP जिंदल ऑडिटोरियम है जो आपको लेफ्ट में नज़र आ रहा है, ये देखिए। और इससे आपको पता चल जाता है कि जिंदल फैमिली का है। स्टूडेंट शायद वॉक कर रहे हैं, ये OP जिंदल ऑडिटोरियम है, फिलहाल तो बंद पड़ा है। तो जो हम बात कर रहे थे फिर से, वो यही है कि लेकिन ना इसकी फ़ीस चूँकि गवर्नमेंट के टाइप की है खासकर अब तो भाई यहाँ पर कट ऑफ ना 640-650 ही जाती है। इस साल 650 प्लस जाएगी। तो हमें से कई लोगों गलतफहमी होती है कि सर ये तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या फ्री के भाव मिल जाएगा या सस्ते मिल जाएगा। जी नहीं, मैं बार कई बच्चे लोगों का फ़ोन आता है सर 620 नंबर है, अच्छा सरकारी नहीं मिलेगा तो सेमी गवर्नमेंट मिल जाएगा। तो मैं उन्हें कहता हूँ सेमी गवर्नमेंट मतलब केरला या कर्नाटका जहाँ पर 8-9 लाख या छत्तीसगढ़ फीस जाएगी। नहीं नहीं सर, वो जो अग्रोहा वाला है, अरे भाई जो इतना शानदार कॉलेज होगा और फीस भी इतनी कम में मिल रहा है, उसी कट ऑफ तो सरकारी वाली तो जाएगी 650 वाली। लुक एट द क्वालिटी, क्योंकि जैसा क्या कि इसको बिल्कुल, इस कॉलेज को डबल फ़ायदा ये है कि फ़ीस आपको सरकारी देनी है और जो आपको मज़े मिल रहे हैं वो आपको प्राइवेट कॉलेज के मिल रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर जो काम हो रहा है, सामने आपको हाईवे नज़र आ रहा है, जो आपको ये आपके लेफ्ट में था मेडिकल कॉलेज की जो मेन बिल्डिंग है, अब हम बाहर की तरफ चल पड़े हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि परमिशन लेके वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, और मैंने आप सब लोगों को अनाउंस किया था कि मैं हिसार आया हूँ दूसरे काम से, तो मैं समय निकाल के, ये देखिए OPD ब्लॉक, ये सामने प्रॉपर फूड कोर्ट चल रहा है जिसमें दुनिया भर की दुकानें हैं। ये सुविधा केंद्र अंदर एक धर्मशाला भी थी, और पूरा कॉलेज चल रहा है, कोई कमी नहीं है। जो चलता हुआ शहर लग रहा है, और ये शहर ही है। ये सामने से स्टूडेंट शायद आ रहे होंगे, ये लेफ्ट में इसका हॉस्पिटल था जहाँ पर इमरजेंसी थी, आपको दिखाते हैं इमरजेंसी सामने से। और ये लेफ्ट में इमरजेंसी है, और देखिए शाम के 5:30-6 बजे हुए हैं और अभी भी इमरजेंसी में आपको भीड़ नजर रही है, जो कि एक टिपिकल मेडिकल कॉलेज में होनी चाहिए, इज़न्ट इट। और जहाँ पर ये पुलिस वाले खड़े होते हैं, मैं नीचे कर लेता हूँ। जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि समय नहीं रहता मेरे पास कि
मैं उनसे परमिशन लेता फिर हूँ, लेकिन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखिए आपको एक माहौल पता चल जाएगा। चलिए चलिए सर, वहाँ से बाहर का रास्ता है कि इस समय पूरी भीड़ है और शाम के 6 बजे हुए, विच मीन्स अगेन इट्स रनिंग चलता हुआ हॉस्पिटल, जो कि आप एक सरकारी फीस सरकारी अस्पताल से एक्सपेक्ट करते हैं, इज़न्ट इट। तो खैर परफेक्ट सरकारी कॉलेज है। हाँ, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये बता रहा था मैं आपको कि सरकारी कॉलेज होते हुए भी चूँकि इसकी मैनेजमेंट प्राइवेट है, फंडिंग प्राइवेट है, तो इसमें जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना वो प्राइवेट कॉलेज वाले मिल रहे हैं। बाहर निकाल लीजिए, सबसे बड़ा बेनिफिट उधर से सबसे बड़ा बेनिफिट तो सर यही है कि आपको सामने जूस कॉर्नर की आपको कितना मेंटेनेंस है, देखिए मतलब जो पूरे कैंपस की मेंटेनेंस है, और वो कैंपस की मेंटेनेंस इसलिए की जा रही है, मतलब वही सेटअप है जो टिपिकल गवर्नमेंट कॉलेज में होता है, और ये वो है ही। लेकिन शुरू से ही ना इसकी फीस थोड़ी कम थी, तो उसको ना नाम सा दे दिया गया था सेमी प्राइवेट का। तो आज भी वो नाम चलता है सेमी प्राइवेट वाला, लेकिन सेमी प्राइवेट वाले कोई लक्षण इसमें है नहीं, तो बिल्कुल ही वैसे ही चलता है जैसे ही कोई सरकारी अस्पताल चलता है। लेकिन हाँ, फैसिलिटी बल्कि आपको प्राइवेट के मज़े मिल रहे हैं। आपको और दिखाता हूँ, जो गेट था ये रोड है, और धीरे धीरे चलेंगे हम इस रोड के ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। ये देखिए बाहर से आपको दिख रहा है अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, और ये दुकानें राइट हैंड साइड पे ना बहुत बड़ा अग्रोहा धाम है। तो थोड़ा आपको ये देखिए एम्बुलेंस देखिए कितनी है, आपको यहाँ से भी कैंपस के साइज़ का आइडिया लगेगा। अभी तो ये कैंपस ही चल रहा है जो मंदिर छोड़ के आए हैं। तो प्राइवेट मैनेजमेंट का मज़ा सरकारी फीस में, ये है अग्रोहा। अभी कन्फ्यूजन क्यों देता है लोगों को कि भाई इसको ऑफिशियली आज भी सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडिड कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ फंड्स सरकार देती होगी, पर टेक्निकली प्राइवेट कॉलेज अब जानते हैं कि इसको जिंदल फंड करता है, तो कुछ फंड्स गवर्नमेंट भी देती होगी, और मुझे डाउट है कि क्या देती होगी, तो जिंदल से क्या जरूरत है सरकार से 100-200 करोड़ रुपये साल के लेने की। ये हम उसके एक सोचा था, दूर चल के हम उसके साइड पर आ गए, तो हमने सोचा कि आपको साइड व्यू भी दिखाया जाए, फिर इसी रोड पे हम वापस चले जाएंगे। ये सब वही एरिया चल रहा है, सोचिए। तो जब सरकारी कॉलेजों की फ़ीस कम थी ना, तो अग्रोहा ने 1,80,000 रुपये रखी, जो उसकी आज भी है। अभी कोई इंटरेस्टिंग बात, जब बॉन्ड आया हरियाणा का 3 साल पहले, तो लोगों के बड़े मजे आए, क्योंकि वो बॉन्ड ना इस कॉलेज पर लागू नहीं था। तो उस साल मुझे याद है कि अग्रोहा की कट ऑफ PGMS के बाद नंबर 2 हाईएस्ट थी हरियाणा में, क्योंकि लोगों को लगा कि ये तो बड़े अच्छी बात है भाई, बड़े सस्ते में अच्छा काम हो रहा है। ये टाउनशिप है बगल में, जस्ट अप टू शो यू, वापस चलेंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि क्या रोड है, क्या लोकेशन है। तो सर महाराजा अग्रसेन एक बहुत बड़े महाराजा माने जाते हैं, इस तरह से जो एक बढ़िया कम्युनिटी है जिससे मैं भी बिलोंग करते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। तो इस वजह से काफ़ी आपको जगहें हैं, बिल्डिंग्स महाराजा अग्रसेन के नाम पर दिखती हैं, और वो इसी एरिया के किंग थे जिसको हम अग्रोहा बोलते हैं। ऑफिशियली महाराजा अग्रसेन यहीं से बिलोंग करते हैं, और सामने अग्रोहा धाम भी है बहुत बड़ा, वैसे वो हाईवे की उस तरफ होगा, दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा। उन्हीं के नाम पे ये देखिए सामने आपको कुछ कुछ मंदिर की झलकियाँ दिखाई दे रही हैं, उन्हीं के नाम पे उसी के डेडिकेशन में जिंदल फैमिली ने ये कॉलेज बना रखा है, जिस तरह उन्होंने हिसार शहर में बहुत सारे अस्पताल और बहुत सारी चीज़ें बना रखी हैं। जिंदल फैमिली यू नो फेमस ओ पी जिंदल है, नवीन जिंदल फैमिली, तो पैसे की कमी तो है नहीं। तो ये हरियाणा का प्राइवेट कॉलेज है टेक्निकली, इसलिए ये ऑलडे कोटा में नहीं आता, क्योंकि ऑलडे कोटा में तो प्राइवेट कॉलेज नहीं आते हैं ना, तो वैसे ये प्राइवेट कॉलेज है, इसलिए ऑलडे कोटा में आपको उसकी 15% सीटें भी नहीं मिलती। और जब आप प्राइवेट का फॉर्म भरते हो एज ए नॉन हरियाणा गए, तो भी आपको उसकी ऑप्शन नहीं आती, क्योंकि ये सरकारी है। तो ये एकमात्र शायद कॉलेज होगा हरियाणा में जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए है, जिसमें ना ऑलडे कोटा लगता है और ना ही प्राइवेट वाली सीटें होती हैं। अब हम इस रोड पर जा रहे हैं, तो ये छोटा सा ग्रोहा टाउन था, पर जैसे कि हमने कहा बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज, और शाम को 6 बजे भी जो हमने इमरजेंसी भीड़ देखी, तो खैर सरकारी कॉलेजों में OPD वाली बात करना, लेकिन अब लुक एट जो कुछ नए कॉलेज UP में आते हैं, और लुक एट द क्वालिटी ऑफ दिस कॉलेज, धीरे धीरे चलते रहिए। तो ये हाईवे अब आप देख रहे हो जो कि हिसार सिरसा हाईवे, हम वापस सिरसा हिसार पहुँचेंगे 15-20 मिनट के अंदर ही। तो मेन सिटी हिसार से ये हाईवे पे है, और बिल्कुल जो अग्रोहा टाउन है उस अग्रोहा टाउन में ये पड़ता है, छोटा सा टाउन है जिसको अग्रोहा बोलते हैं, जहाँ ये अग्रोहा धाम भी है। तो भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सेमी गवर्नमेंट है तो कम नंबर से मिल जाएगा, 2024 में ही आपको
650 प्लस में या 655 प्लस में ही मिलेगा। और लुकिंग एट दिस कॉलेज मैं भाई कह सकता हूँ खासकर हरियाणा के बच्चों के लिए कि फीस तो बराबर ही है बाकी कॉलेजों में, लाख रुपये इसमें 1,80,000 है। हाँ बॉन्ड की बात सॉरी रह गई थी बीच में, तो जब बॉन्ड है ना तो इस कॉलेज में नहीं था क्योंकि कॉलेज तो टेक्निकली गवर्नमेंट है नहीं, तो लोगों ने उस साल इसी कट ऑफ नंबर 2 आ गई थी। फिर अगले साल स्पेशली आया कि ये हमारा अगर सेट भी बॉन्ड में आएगा और इसमें भी वो 7 साल का बॉन्ड आया, फिर 7 साल का बॉन्ड घट के 5 साल का रह गया। इस समय 5 साल 30 लाख का बॉन्ड है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि अगर आप इंडिया में कहीं भी पीजी करते हैं तो वो 3 साल भी बॉन्ड में मान लिए जाते हैं। तो फिर तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये 2 साल और 10 लाख का बॉन्ड रह गया है, क्योंकि ये जो फीस देते हो 4.5 साल की वो भी बॉन्ड अमाउंट से कम हो जाती है। तो अगर वो आप पढ़ने आ रहे हो तो आप फीस ही दे दोगे 9 लाख रुपये, तो 30 घटा 9 रह गए 21 लाख। फिर आप पीजी करने जाओगे जब आप इतने होशियार बच्चे हो, तो भाई फिर 8-9 लाख और 2 साल का बॉन्ड बचा। तो वेरी इम्प्रेसिव कॉलेज, वेरी फ्रेंकली मच बेटर राइट नाउ देन गोइंग टू अटल बिहारी चैंसा। एंड मेरे को तो भगत फूल सिंह से भी अच्छा लगा, तो जो बच्चियाँ अगर भगत फूल सिंह मिल रहा है, अग्रोवा मिल रहा है, आई थिंक PGMS रोहतक और कल्पना चावला के बाद दिस शुड बी नंबर 2। और अगर मैं मेंटर्स की बात करूँ, जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेटली इट्स इन प्राइवेट मैनेजमेंट, तो शायद PGMS के बाद नंबर 2 पे हमें ये कॉलेज चूज करना चाहिए। और अब हम दिन ख़त्म करेंगे अपना, मैंने कहा दिन भर मेरी मीटिंग्स थी, मैंने सोचा कि आपको अग्रोवा दिखाता हूँ, मैं तो पहले आया हूँ कई बार, और दैट्स इट। अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है MBBS की, एंड ये आप रास्ता देख रहे हो, बहुत शानदार रास्ता है जो वापस हिसार ले जाएगा उल्टी तरफ सिरसा शेर सिटी, जो भी बहुत दूर है, पहले फतेहाबाद आएगा, गुड सिटी, बट आई थिंक कोई खास रेलिवेंस नहीं है वैसे इस वीडियो का। मेन पर्पज़ यही है कि जो लोग इस चक्रों में रहते हैं या फ्रॉस्टर्स के हाथ में फंस जाते हैं कि भाई आपको हम सेमी गवर्नमेंट अग्रोवा दिलवा देंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात, अग्रोवा में MBBS में 4 या 5 NRI सीटें भी हैं, जनरली वो प्योर NRI को मिल पाती है, फर्स्ट ब्लड तक नहीं पहुंचता है, और सबसे कम फीस है NRI सी पूरे इंडिया में शायद अदर देन एम्स, $75,000 लेते हैं सिर्फ पूरी पूरे कोर्स की, और वो भी किस्तों में, कोई जल्दबाजी नहीं है लेने की। तो $75,000 मतलब 60 लाख रुपये। तो अगर आप NRI प्रायोरिटी 1, 2, 3 में आते हैं, मतलब खुद NRI हैं बच्चे, तो यहाँ पर आप बहुत वाजिब दाम में पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग द चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और हमसे संपर्क करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन वीडियो में लिखी हुई है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।